हे दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया। आज हम जा रहे हैं बनाने फिश कड़ी फुल देसी तरीके से और देसी चूल्हे पर। तो आज आप लोग को आंगन का ब्लॉग्स मिलेगा देखने के लिए। बहुत मिस किया आप लोग हमारे पुराने ब्लॉग को। आप लोग कमेंट भी भर भर के कर रहे थे, दीदी प्लीज़ पीछे आंगन में बनाइए, आंगन में खा के दिखाइए। हम लोग उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो क्या करें, बारिश की वजह से हम नहीं बना रहे थे, तो आज हम यही बना के दिखाएंगे। तो इधर हम लोग सब लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं। मछली पापा ने ला दिया है और अनु भी धुलेगा। उधर डॉली मम्मी लहसुन छोड़ा रही हैं, प्याज जा रहे हैं काटने के। जनू आज काफ़ी दिन बाद हम आंगन में बना रहे हैं। आप लोग बहुत मिस किए मेरे पुराने वीडियो का। आप लोग बोल भी रहे थे कि पहले ऐसा वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, प्लीज़ आंगन में बनाइए। तो बारिश की वजह से आंगन में नहीं बना रहे थे, ज़मीन काफ़ी गीला था। अब बनेगा। अभी इधर फटाफट से मसाले पिसाएगा, जिसमें मिर्ची लहसुन और कुछ खड़े गरम मसाले। तो भी मछली में गया इधर हल्दी पाउडर और नमक भी जाएगा ना मम्मी। पचफोरन है तो इधर प्याज भुन गया और इसमें पड़ेगा पिसा हुआ मसाले और उसके साथ हमें क्या पड़ेगा, टमाटर। टमाटर इसके साथ पड़ेगा टमाटर। और हल्दी नमक पड़ गया, हल्दी पड़ गया, टमाटर गया, तो अब नमक जाएगा। तो यह मसाले से अलग हो चुके हैं, टमाटर प्याज सब गल के रेडी। अभी फटाफट से पड़ेगा पानी और जब ग्रेवी मुबाल आएगी तब पड़ेगा मछली। इधर ग्रेवी मुबाल आ गया, अब फटाफट से इधर डालेंगे हम मछली और इसको धीरे से चला देंगे, वरना पीस टूट जाएगा। 5 से 7 मिनट में मछली बनके रेडी। और चलते हैं फटाफट से आटा लगा लेते हैं। और इतना जल्दी मछली बन के रेडी? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि जब भू जाता है ना तभी मछली पक जाती है। और अभी शाम तो हुई है, रात नहीं हुई है। अभी रात नहीं हुई तो जल्दी से खाना बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत मच्छर लग रहा है, सब गर्मी भी बहुत है। तो इधर हम लगा रहे हैं फटाफट से आटा। मछली तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, चावल धुल के रख दिए हैं और बस रोटियाँ बनाना बाकी है। और हमको लग रहा है अभी 6 नहीं बजा है और
हमारा खाना बन के रेडी, लेकिन कोई खाएगा नहीं क्योंकि हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी अब पड़ रही है। अभी तक नहीं पड़ी लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये पड़ रही है गर्मी ज़्यादा क्योंकि हमारे जो घर का बाहर का जितना भी पेड़ है सब कट रहा है, और तो पेड़ कट रहा है तो इसी गर्मी भी पड़ रही है। और हमारे तरफ आप लोग ने देखा ही था कितना ज़्यादा हरियाली, कितना ज़्यादा पेड़ पौधा है, इसलिए यहाँ पे गर्मी नहीं मालूम देता है, लेकिन अब मालूम दे रहा है जब पेड़ कट रहा है। तो इतनी उमस रात में तनु सो नहीं पा रहा था, क्यों जी अनु? हाँ, बहुत ज़्यादा तो हालत पंचर हो गई थी, तो रात में उठ उठ के भाग रहा था। रात में दो बार नहा कैसे? कूलर का भी हवा फील था रात में, इतना ज़्यादा ठंडा हवा देता वो भी फील हो गया था गर्मी से। लेकिन रात किया जाएगा, ठंडी आएगा तभी आराम मिलेगा। अब रोड बन रहा है तो पेड़ कट रहा है, पेड़ कट रहा है तो हम लोग को दिक्कत हो रही है, सबको हो रही है। पेड़ कटेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो बातों बातों में ही मेरा आटा भी लग के रेडी हो गया, भाई फटाफट से डोली रोटियां बना लेती है। खाना कब खाएंगे? खाना भी नहीं, 9 बजे पहले तो कोई नहीं खाएगा, अभी तुरंत खा कर सो जाते हैं। जाओ सो जाओ, तुमको नींद आ जाएगी, हम सुबह आएंगे। तुम भी आ गई रोटी बनाने? हाँ, आज तो बहुत ठंडी है। आटा लगा दिए है, दाली रोटियां बना रही है, चावल रख दिए, मछली बन के रेडी, और हमारा खाना बन के रेडी। और तुम्हारा कितना लगेगा बनाने में? लगेगा 10-15 मिनट लग जाएगा। थोड़ा ही आटा है 10 रोटी का, तो भी बन जाएगा। रात में हमारे तरफ ज़्यादा रोटियां बनता है और दिन में कम, इसलिए क्योंकि दिन में लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, पापा का ज़्यादा पसंद है रोटी। और डोली को तो केवल चावल चावल ही चावल चाहिए। कुजी हाँ, देखिए बोल भी रही है कि केवल चावल चाहिए। नहीं, हमारे शाम में रोटी, सुबह में चावल। लेकिन हमारे इधर तो शाम में रोटी और सुबह में चावल बनता है। हमें तो पसंद है भाई रोटी और चावल दोनों। हाँ, एक टाइम रोटी चाहिए जरूर, क्योंकि कहाँ रोटी चाहिए। एक सेकंड के लिए कैमरा बंद किया है, तुरंत उतने में तो नोच लेती है, नोच। परेशान नहीं करेंगे इसको, इसको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? और डॉली कुछ सुनाओ, रोटी बनाओ। नहीं, रोटी बनाने में बहुत गर्मी हो रहा है। कूलर थोड़ी लगवा देंगे कहाँ? अच्छा, रोटियां बनाते बनाते कुछ नया समाचार सुनाओ। हाँ, गर्मी को छोड़ो यार, गर्मी तो प्रकृति का देना है। नहीं है। कुछ अलग ही सुनाओ, तुमको दोस्तों लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कुछ सुनाओ, तो कुछ आज सुनाइए दो। हाँ, क्या सुनाए? कुछ कुछ अच्छा सा बात सुना दो। अच्छा सा बात कौन सा है? कौन सा है ये? कोई बात होगा, कोई नया समाचार है? नहीं तो क्या सुनाए? देखिए दोस्तों, रोटी जला दी है। नहीं, इतना ना होता है। फर्स्ट रोटी है, नहीं है। और अक्सर हम जब कैमरा दिखाते हैं इसकी तरफ तो ये रोटियां जला भी देती है, जैसे लगता है कि इसका दिमाग कैमरे में ही है। नहीं जलता है रोटी। तो ठीक है, तुम रोटियां बनाओ, अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, हाँ ये सोचती है हम रोटियां बना रहे हैं तो ये भी यहीं पे रहा है, लेकिन कैमरा बंद करके रहा है। लेकिन अब एक लोग के साथ दोनों लोग नहीं ना इसी में पिसाएंगे। क्यों जी? नहीं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारा तो आदत है गर्मी का। झूठ झूठ क्या, सही बात है। और सब बढ़िया बने? कुछ भोजपुरी में सुना दो। देखिए दोस्तों कितना झूठ बोल रही है। ये भोजपुरी में तो इतना बात करती है, मारती है, पीटती है, गाली भी देती है भोजपुरी में। नहीं नहीं, गाली नहीं आता है। गाली नहीं आता है, लेकिन भोजपुरी आता है, फिर कहाँ झूठ बोल रही हो? नहीं आता उतना गाली। आज थोड़ा सा हिंदी के कैमरे में बोल दी, हिंदी का बापसा बन गई है। क्यों जी? नहीं, हमारे तरफ दोनों भाषा बोली जाती है, हिंदी और भोजपुरी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली भाषा है भोजपुरी, लेकिन अपनी पसंद जो मर्जी वो बोल सकते हैं। लेकिन डॉली तो कभी काल मराठी भी बोलती है। हाँ, मराठी का होता
मराठी क्या होता है? मराठी भाषा बोलते नहीं, समझ नहीं आता है? एक भी नहीं। बंगाली? बंगाली भी नहीं आती। बंगाली भाषा ये होता है, जैसे तुम रोटी बना रही हो ना, तो तुमको कहेंगे बंगाली समझते हैं। जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। एक लोग पहले अपने एक रूम में नहीं आए थे, डॉक्टर जो थे वो बंगाली नहीं थे। अरे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, करीबन हो गया 6-7 साल की पहले की बात है। एक डॉक्टर थे जो कि रूम लेके हमारे घर में रहते थे, वो बंगाली बंगाल से आए हुए थे, तो बंगाली भाषा में बोलते थे तो समझ में एकदम से नहीं आता था क्यों जी, लेकिन उनका आवाज़ जो है बहुत अच्छा लगता था सुनने में। वो क्या बोलते थे समझ नहीं आता था पर अच्छा लगता था। तो अभी फालतू का बात बाद में, तभी हम चलते हैं और रोटियां जब सारा बन जाएगा फिर आप लोग को दिखाते हैं क्यों जी डॉली। तब तक आराम से तुम भी रोटियां बना लो, ज़्यादा परेशान कर दिए हैं तुमको। A few minutes later. तो यार फटाफट से हम खाना लगा लेते हैं, और रात काफ़ी हो गया है और खाना तो कब बन गया था हम लोग का। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं रात हो गई है काफ़ी, और काफ़ी दिन बाद हम आंगन में खाना खा के वीडियो शूट कर रहे हैं, और इस वीडियो को आप लोग ने बहुत मिस किया तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा दिखा देते हैं। और इतनी गर्मी है मेरे वहाँ क्या बताया जाए, अभी काफ़ी बाहर में यहाँ पे खुले में खाना खा के बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है, तब ठंड है। तो इधर अनूप डॉली दोनों के दोनों बैठ गए हैं, और अनूप तुम्हारी फिश कड़ी देखा। बहुत बढ़िया। और डॉली तू तो बोले नहीं रही हो। मस्त बहुत बढ़िया आज का मछली हुआ है। और काफ़ी दिन बाद हमको लग रहा सावन के बहुत पहले ही बना था, सावन जब से ख़त्म हुआ जब से चढ़ा उसके पहले से ही नहीं बना है अभी तक। नॉनवेज बन चुका है पर फिश कड़ी नहीं, और फिश कड़ी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा चावल के साथ खाओ तनु। बहुत बढ़िया मस्त। तो दोस्तों ये लोग खाना खा रहे हैं, हमने अपने लिए सब्जी बनाया, पापा के लिए चलते हैं, पापा खाना लगाते हैं, अपना खाना निकालते हैं और चलते हैं खाते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।